गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडा घाट एंड HPMC। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बर्मा ज्वेलर्स सोलन, द बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिस न्यूज हिमाचल भाजपा ने 62 सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान, एक मंत्री सहित 11 सीटिंग MLA का टिकट कटा। भाजपा की 6 सीटों पर फंस गया पेच, देर रात माता पच्ची के बाद भी नहीं किया प्रत्याशियों का ऐलान। नगरोटा बगवा में हादसों का डिवाइडर, आए दिन हो रहे हादसे। मिल्कफेड की मिठाइयों से महका मंडी का सेरी मंच, 6 महीने तक खराब नहीं होंगे उत्पाद। और अब समाचार विस्तार से। दिस न्यूज हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 62 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बुधवार सुबह जारी लिस्ट के मुताबिक एक मंत्री सहित 11 सीटिंग विधायकों का टिकट काटा गया है, जबकि 2 मंत्रियों की सीट बदली गई है। एक मंत्री यानी धर्मपुर के विधायक एवं मंत्री महेंद्र सिंह के टिकट काट कर उनके बेटे को दी गई है। लिस्ट में 5 महिलाओं को भी जगह मिली है। लिस्ट में अनुसूचित जाति के 11 उम्मीदवार और ST के 8 उम्मीदवार हैं। 5 महिला नेत्रियों में चंबा से इंदिरा कपूर, इंदौरा से रीता धीमान, शाहपुर से सरवीन चौधरी, पच्छाद से रीना कश्यप और रोहड़ू से शशिवाला को टिकट मिले हैं। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1,00,000 का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने टिकट बांट दिए हैं, लेकिन बगावत शुरू हो गई है। 6 सीटों पर पेंच फंस गया है, इनमें से शिमला जिला की रामपुर, हमीरपुर की बड़सर, कांगड़ा जिला की देहरा और ज्वालामुखी, ऊना से हरोली तथा कुल्लू सदर की सीट शामिल है। इन 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है। सभी सीटों को सिंगल पैनल में रखा गया था, लेकिन रात को संसदीय बोर्ड में चर्चा के बाद इसे रोक दिया गया। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड द्वारा दीपावली पर्व पर मंडी के सेरी मंच के सामने मिठाइयों का स्टॉल लगाया गया है, जिसका शुभारंभ अतिरिक्त जिला उपायुक्त जतिन लाल ने किया। यहां पर ग्राहकों को शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयां मिलेंगी। मिल्क प्लांट चक्कर के वरिष्ठ प्रबंधक राकेश पाठक ने बताया, मिल्क फेडरेशन पिछले कई साल से दिवाली पर्व के लिए विशेष तौर पर अपने उपभोक्ताओं के लिए तरह तरह की मिठाइयां तैयार करती है। इन मिठाइयों को खाने की मियाद 15 दिन से 6 माह तक रहती है। इस साल दीपावली के लिए फेडरेशन ने पूरे हिमाचल में 500 क्विंटल मिठाइयां तैयार की हैं और मंडी में लगभग 100 क्विंटल मिठाई ग्राहकों के लिए मौजूद है। सभी आए ये आज हमारे जो मिल्क फेड है, इसका हमने सेरी मंच के पास एक मिल्क बार का एक इनॉग्रेशन किया। सबसे पहले मैं मिल्क फेड की टीम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। बाकी जो मिल्क फेड है, इसमें काफ़ी जो मैंने टेस्ट किया बहुत अच्छा है। यहाँ इनका बेसिकली की प्रिपरेशन की काफ़ी अच्छी मिठाइयाँ हैं, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मैं मिल्क फेड की टीम को एक बार तहे दिल से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ इनका दिवाली के टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। और पूरे हिमाचल में काफ़ी मिल्क फेड की मिठाइयों का बहुत ही लोगों में एक अच्छी एक काफ़ी इन्होंने अपने ब्रांड की वैल्यू रखी है, ऐसे ही ये बनी रहे और लोग ऐसे ही मिल्क फेड को प्रेफर करते रहें। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड द्वारा दीपावली पर्व पर मंडी के सेरी मंच के सामने मिठाइयों का स्टॉल लगाया गया है, जिसका शुभारंभ अतिरिक्त जिला उपायुक्त जतिन लाल ने किया।
यहां पर ग्राहकों को शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयां मिलेंगी। मिल्क प्लांट चक्कर के वरिष्ठ प्रबंधक राकेश पाठक ने बताया, मिल्क फेडरेशन पिछले कई साल से दिवाली पर्व के लिए विशेष तौर पर अपने उपभोक्ताओं के लिए तरह तरह की मिठाइयां तैयार करती है। इन मिठाइयों को खाने की मियाद 15 दिन से 6 माह तक रहती है। इस साल दीपावली के लिए फेडरेशन ने पूरे हिमाचल में 500 क्विंटल मिठाइयां तैयार की हैं और मंडी में लगभग 100 क्विंटल मिठाई ग्राहकों के लिए मौजूद है। सभी ये आज हमारे जो मिल्क फेड है, इसका हमने सेरी मंच के पास एक मिल्क बार का एक इनॉग्रेशन किया। सबसे पहले मैं मिल्क फेड की टीम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। बाकी जो मिल्क फेड है, इसमें काफ़ी जो मैंने टेस्ट किया बहुत अच्छा है। आगे इनका बेसिकली की प्रिपरेशन की काफ़ी अच्छी मिठाइयाँ हैं, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मैं मिल्क फेड की टीम को एक बार तहे दिल से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ इनका। दिवाली के टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा और पूरे हिमाचल में काफ़ी मिल्क फेड की मिठाइयों का बहुत ही लोगों में एक अच्छी एक काफ़ी इन्होंने अपने ब्रांड की वैल्यू रखी है। ऐसे ही ये बनी रहे और लोग ऐसे ही मिल्क फेड को प्रेफर करते रहे। धन्यवाद। 50 साल पहले हमारे पास आप नहीं आए, आए थे आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी या नानी जी। वो थी इस रिश्ते की बुनियाद। उसके बाद आपके पिताजी, माँ और अन्य परिवारजनों ने इस रिश्ते को जारी रखा। 50 साल से जुड़ा हुआ ये रिश्ता ही तो है जिसने 5 लाख से ज्यादा लोगों को इस विश्वास के अटूट बंधन में बांध के रखा है। और अब हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं आपके साथ। आइए गहनों से भरे हमारे 5,000 स्क्वायर फीट में फैले भव्य शोरूम, जहां आप पाएंगे आपकी सेवाओं में हमारे तकरीबन 100 से अधिक सेकंड उसी 50 वर्षों से चली आ रही गारंटी के साथ सही कीमत, पूरी शुद्धता और जिंदगी भर की सेवा के वादे के साथ। तो स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स पर। और हाँ, अपने बच्चों को साथ लाना मत भूलना, आखिर आपकी और हमारी परंपरा को वही तो कायम रखेंगे।